हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके पीएससी लेक्चर बायोलॉजी मेंस का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को और कुछ सॉल्यूशंस को। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग अल्कोहल कॉजेज मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बिकॉज। कह रहा है कि जो अल्कोहल ड्रिंक करने से फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है उसकी वजह क्या हो सकती है। तो जनरली हमारा जो अल्कोहल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी में एक हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी से, जिसे हम कहते हैं वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जनरली फंक्शन क्या है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में इन्हेंस करता है। दैट मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी हद तक। तो जब हमारा एल्कोहल ADH को इनहिबिट करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन दिए हैं जैसे कि अल्कोहल कंटेन कैफीन एंड थियोब्रोमीन, जो कि इनकरेक्ट है। दूसरा है, अल्कोहल इनहिबिट ADH सिक्रीशन विच इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे कह रहा है कि अल्कोहल इनहिबिट करता है ADH के सिक्रीशन को, ये तो ठीक है, लेकिन उसके आगे कह रहा है विच इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जब ADH का सिक्रीशन इनहिबिट होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद है, अल्कोहल इन्हेंस ADH सिक्रीशन दैट कॉज नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल इन्हेंस नहीं करता ADH के सिक्रीशन को बल्कि इनहिबिट करता है। लास्ट है, अल्कोहल कॉजेज इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन माल्पिगियन कॉर्पसकल्स। तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जो माल्पिगियन कॉर्पसकल्स में जो प्रोसेस होती है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पे ADH का कोई रोल नहीं है क्योंकि ADH का रोल तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में है, ठीक है। तो ADH जनरली हमारा, सॉरी, अल्कोहल हमारा ADH को इनहिबिट करता है, तो अल्कोहल का रोल यहाँ पे ADH से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लगता। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन पता हो और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कमेंट में आंसर देना। अगला है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन वन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक से कम किसका होता है। जनरली रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या रेस्पिरेटरी रेशियो, रेस्पिरेशन में वो रेशियो होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि CO2 कितना कंज्यूम हुआ और O2 कितना कंज्यूम हुआ रेस्पिरेशन में, उसका रेशियो। तो जो हमारे फैटी जो फैट हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसके लिए लेस देन वन होता है हमेशा, और प्रोटीन के लिए भी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जबकि शुगर के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए एक होता है और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1+ होता है। अगला है, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। उसके बाद है, नेम द स्ट्रक्चरल अनालॉग ऑफ विटामिन के विच इज यूज्ड एज एंटी कोगुलेंट। तो विटामिन के का फंक्शन जनरली कोगुलेंट का है, ब्लड की क्लोटिंग का, ठीक है, लेकिन इसके इनहिबिटर भी होते हैं, जैसे कि इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हमारा डाइक्यूमेरॉल, ऑप्शन ए है जो, ये इसका करेक्ट आंसर है। डाइक्यूमेरॉल क्या करता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल अनालॉग है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है एंजाइम का या किसी भी चीज़ का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक्चुअल सबस्ट्रेट की तरह ही उसका इनहिबिटर दिखता है, और जहाँ पे एक्चुअल सबस्ट्रेट को जाना होता है या एक्ट करना होता है एक्टिव साइट पे, वहाँ पे उसका इनहिबिटर चला जाता है और अपोजिट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अपोजिट रोल क्या प्ले करेगा, ये एंटी कोगुलेंट का। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, इन सब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटी कोगुलेंट नेचर के होते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डाइक्यूमेरॉल एक स्ट्रक्चरल अनालॉग है विटामिन के का, जो एंटी कोगुलेंट की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद है, सिक्रेटिन एंड कोलीसाइटोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रेटेड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ड्यूओडेनम, क्योंकि जो हमारा सिक्रेटिन एंड कोलीसाइटोकाइनिन दोनों हार्मोन हैं वो पैनक्रियाटिक हार्मोन या पैनक्रियाटिक सिक्रीशन पर वर्क करते हैं, और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन जनरली ड्यूओडेनम में ही होता है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ऑप्शन बी होगा, ड्यूओडेनम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिग्जीडीमा या मिग्जोडीमा, जो भी है, वैसे मिग्जीडीमा लिखा जाता है इसे, मिग्जीडीमा इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। तो मिग्जीडीमा एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो डेफिशिएंसी से होता है या हाइपोसिक्रीशन से थायरोक्सिन हार्मोन के एडल्ट में।
एडल्ट्स में इसे हम मिक्सीडर्मा कहते हैं, जबकि अगर ये चाइल्ड में होता है या बर्थ से होता है तो क्रिएटिनिज्म कहते हैं उसे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मिक्सोडिमा इज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन एडल्ट्स। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड फॉर्म विच डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन या एंजाइम्स की हाइड्रोलिसिस होती है वो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, मोस्ट ऑफ डाइजेशन हमारा, उसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो एंजाइम या सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं वो पैनक्रियाज से ही होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज। उसके बाद है ऑक्सिनेटिक सेल सिक्रीट। ऑक्सिनेटिक सेल कहाँ होती हैं हमारा, हमारी जो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है उसका अगर हम सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट लेयर होती हैं, उनमें सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होती है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं और उसमें डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं जैसे कि चीफ सेल और ऑक्सिनेटिक सेल इस तरीके से। तो ऑक्सिनेटिक सेल का फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट बीट। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम SA नोड या सिनो एर्टियल नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट बीट कहते हैं, क्योंकि जनरली जो हार्ट बीट को इनिशिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल है वो SA नोड का ही है, ठीक है। इसी वजह से अगर SA नोड हमारा हर्ट का फेल होता है तो वहाँ पे पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट ये ही करता है। उसके बाद है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द, तो जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है वहाँ पर पहली प्रोसेस क्या है हमारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेट होता है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा रीअब्जॉर्प्शन। जब रीअब्जॉर्प्शन होता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग केमिकल्स जैसे कि आयंस, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सबका एब्जॉर्प्शन अलग अलग प्लेस पे होता है हमारा ट्यूब्यूल्स में। तो कौन सी ट्यूब्यूल में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हेंस एग विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं, एमनियोन हो गया, कोरियोन, योक्सेक, एलेंटोइस। तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड का फंक्शन होता है कौन सी लेयर का होता है, योक्सेक का होता है, जबकि एलेंटोइस का फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करना। कोरियोन हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एम्ब्रियो को वहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज एम्ब्रियो के लिए करता है, या दैट मीन्स क्यों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अटैच रहता है। और एमनियोन में हमारा क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, योक्सेक। उसके बाद है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। वैसे भी यहाँ पर अदर ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे जैसे कि अपोप्टोसिस, क्लीवेज, मल्टीप्लिकेशन, तो स्पर्मियोजेनेसिस करेक्ट आंसर है। उसके बाद है स्पर्म कैप्सिटेशन अकर इन, ये भी हमारा फर्टिलाइजेशन से है क्वेश्चन। कैप्सिटेशन का मतलब है जो स्पर्म है उसकी एबिलिटी टू फर्टिलाइज एग, एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी जो स्पर्म के पास होती है वो आफ्टर कैप्सिटेशन ही आती है। और कैप्सिटेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है द फोर्स और पावर ऑफ प्रोपल्सन ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाई। तो देखिए दो चीज़ें अलग हैं, कैप्सिटेशन की प्रोसेस क्या है जहाँ पे स्पर्म की एबिलिटी होती है कि वो फर्टिलाइज कर सके, एग के पास जाना ही काफ़ी नहीं है, फर्टिलाइज करना भी है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैप्सिटेशन, जिसमें स्पर्म की मेम्ब्रेन में बहुत सारे केमिकल चेंजेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोर्स या जो हमारा फोर्स या स्पर्म की मोबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कराता है स्पर्म में, तो वहाँ पे एक प्रोटीन होती है माइक्रोट्यूब्यूलिन जिसका नेम है डायनिन। डायनिन ATP की हाइड्रोलिसिस की हेल्प से स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है, डायनिन प्रोटीन का नाम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन केस ऑफ। तो जो पॉली इन्वेजिनेशन है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है,
गैस्ट्रुला बनने के बाद हमारा जर्म लेयर का अरेंजमेंट होता है, जिस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं डेवलपमेंट में। तो गैस्ट्रुलेशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि इन्वेजिनेशन, इनग्रेशन, एपीपॉली। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बर्ड्स। उसके बाद है विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोकोरियल। उसके बाद है सुपरफिशियल ब्लास्टुला और पेरी ब्लास्टुला इज फाउंड इन, तो सुपरफिशियल ब्लास्टुला का मतलब है कि जो हमारा एग है जनरली ये इंसेक्ट में देखने को मिलता है, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, जो एग है उसके सेंटर में योक का डिपोजिशन होगा और पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म का होगा। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक रूल होता है कि जहाँ पर योक होगा वहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा, योक हमेशा इनहिबिट करता है क्लीवेज को, और जहाँ पर क्लीवेज होगा वहाँ पर या तो योक होगा ही नहीं या कम होगा। तो एग के इंसेक्ट के एग में क्या होता है, सेंटर में योक का डिपोजिशन होता है, पेरीफेरी में नहीं होता है, इसलिए पेरीफेरी में ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर बनते हैं और सेंटर में योक रहता है। तो इस तरीके के क्लीवेज को हम कहते हैं सेंट्रोलिसिथल सुपरफिशियल क्लीवेज, और ब्लास्टुला को भी हम सुपरफिशियल ब्लास्टुला कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है फ्रॉक्स एगिज, तो पूछ रहा है कि फ्रॉग का एग कैसा है, क्योंकि एग को क्लासिफाई किया जाता है योक के डिपोजिशन के बेसिस पे। एग में एक रीजन होता है एनिमल पोल, जहाँ पे हमारा जनरली डिवीजन या क्लीवेज होता है क्योंकि वहाँ पे योक नहीं होता, और दूसरा रीजन होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा योक होता है और वहाँ पे कोई क्लीवेज नहीं होता। तो फ्रॉग के केस में दो रीजन होते हैं, एक एनिमल पोल एक वेजिटल पोल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं मुझे उनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लगता, क्योंकि पहला सेंट्रोलेसिथल दिया है, सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट का करेक्टर है सेंटर में योक डिपोजिशन। उसके बाद सी है एलेसिथल, एलेसिथल का मतलब है कि कोई योक नहीं होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा है आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें दे दी हैं एक साथ। आइसोलेसिथल का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक, दैट मीन्स कि पूरे एग में हमारा योक इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है, ये निमेटोड में होता है, ठीक है, या अदर ऑर्गेनिज्म में होता है आइसोलेसिथल टाइप। उसके बाद है टीलोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल, तो ये भी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि मीजोलेसिथल तो करेक्ट ऑप्शन है, मीजोलेसिथल फ्रॉग में होता है लेकिन मीजोलेसिथल रेडियल टाइप का होता है, ठीक है, मीजोलेसिथल रेडियल टाइप का क्लीवेज या उसका एग होता है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लगता, अगर आपको पता हो तो आंसर देना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन लाइकेन्स, तो लाइकेन्स में कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, सोरिडिया केवल लाइकेन में देखने को मिलते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक एल्गी, तो पैरासिटिक एल्गी का पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारा सिफेल्यूरस, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी कॉज करता है, और ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद पूछा गया है वायरॉइड्स आर दोज, वायरॉइड्स क्या होते हैं, तो वायरॉइड्स मैंने बताया भी था एक वीडियोज में कि वायरॉइड्स वो होते हैं जिनके पास केवल आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, वहाँ पर कोई प्रोटीन सराउंडेड नहीं होता है, इन्हें हम आरएनए पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाई प्रोटीन कोट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, आप सभी को पता होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग, तो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट में डिफरेंस पूछा गया है कि टेरिडोफाइट्स में ऐसा क्या है जो ब्रायोफाइट्स में नहीं है। तो पहला है मोटाइल मेल गैमेट, दूसरा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तीसरा है एंथ्रीडिया। तो ये तीनों चीज़ें हमारा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दोनों में कॉमन देखने को मिलती हैं, जबकि वैस्कुलर टिश्यू हमारा सिर्फ ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है, सॉरी टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट में कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियोज बट लैक सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू, तो पूछ रहा है कि ऐसे प्लांट को आप कहाँ प्लेस करोगे जिसमें स्पोर एंड एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू नहीं बनते, ठीक है। तो एल्गी में हमारा सबसे पहले क्या होता है, स्पोर तो बनते हैं जैसे कि जूस्पोर, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ब्रायोफाइट्स, क्योंकि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में
सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं सिर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, इससे पहले एल्गी में एम्ब्रियो हमारा नहीं बनता, इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी कहते हैं। उसके बाद है एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइप्स ऑफ पिगमेंट। हालांकि इसमें अदर ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एल्गी के क्लासिफिकेशन के तीन मेजर क्राइटेरिया हैं, जैसे कि स्टोरेज फूड मटेरियल और सेल वॉल का कंपोजिशन और तीसरा पिगमेंट। तो लेकिन यहाँ पर पिगमेंट को सबसे पहले हम मानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है हॉर्स टेल बिलोंग्स टू, तो हॉर्स टेल हमारा कॉमन नेम है इक्विसिटम का, जो कि एक टेरिडोफाइट है, लिविंग टेरिडोफाइट, क्योंकि जो स्पिनोप्सिडा है उसके अदर मेंबर फॉसिल हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पिनोप्सिडा। हॉर्स टेल हमारा स्पिनोप्सिडा से बिलोंग करता है। उसके बाद है इन विच जियोलॉजिकल एरा जिम्नोस्पर्म वेयर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट वेजिटेशन, तो जिम्नोस्पर्म हमारा डोमिनेंट कब थे, तो वो मीसोजोइक एरा में थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। उसके बाद है द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट बियर वन फ्लैजिलम एट ईच एंड इज नोन एज, तो इसे हम एम्फीट्राइकस कहते हैं, जहाँ पे एक बैक्टीरिया के दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है इन फेबेसी द गाइनोसियम इज, तो गाइनोसियम वहाँ पर सिंगल कार्पेल होता है गाइनोसियम में, तो इसलिए इसे मोनोकार्पिलरी हम कहेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है पैक्टोज इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, तो पैक्टोज हमें स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है उसमें देखने को मिलता है आउटर लेयर में उसकी सेल वॉल की, जो वाटर से डिजॉल्व होकर म्यूसीलेज बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है एट्रोपा बेलाडोना अन इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इज ऑफ फैमिली, तो एट्रोपा हमारा फैमिली सोलनेसी से बिलोंग करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है मेल गैमिट्स इन फर्न आर, तो फर्न में जो मेल गैमिट होते हैं हमेशा मल्टीसीलिएट होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, या हम इन्हें मल्टीफ्लैजिलेट भी कह सकते हैं। उसके बाद है द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज, तो इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्टेफिलोकोकस ही ऐसा है जो ग्राम पॉजिटिव है, बाकी तीनों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछ रहा है। पहला है एजोला इज यूज्ड एज बाय फर्टिलाइजर, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है ब्रायफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, जो कि करेक्ट है। तीसरा है टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ स्टेमेन इज फाउंड इन फैमिली क्रूसीफेरी, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद चौथा है ड्रोसेरा इज कॉल्ड वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप अलग प्लांट है, ड्रोसेरा अलग है, लेकिन दोनों ड्रोसेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। उसके बाद है लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो इज कॉज्ड बाई, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है द एल्गी फियोफाइसी इज करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, तो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में हमें फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्यूकोजेंथियम लिखा है, या फ्यूकोजेंथियम भी हम इसे कह सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है येलो रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई, तो येलो रस्ट हमारा पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस के थ्रू होता है, जबकि ब्लैक रस्ट हमारा पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई से होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस। जनरली पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस लीव्स को इफेक्ट करता है, जबकि जो हमारा स्टेम रस्ट है वो स्टेम में ब्लैक रस्ट को दिखाता है। उसके बाद है टर्पेंटीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेजिन ऑफ विच प्लांट, तो जो टर्पेंटीन ऑयल है वो कोनीफर से जनरली हमें देखने को मिलता है, और कोनीफर का एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन बी है पाइनस। उसके बाद है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो अगार अगार हमें ग्रेसिलेरिया से देखने को मिलता है, जो कि एक रेड एल्गी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इनटू ए कंप्लीट प्लांट, तो इसे हम टोटिपोटेंसी या सेल्युलर टोटिपोटेंसी कहते हैं, क्योंकि जब एक सेल जनरेट करेगी कंप्लीट प्लांट को, तो उसे हम सेल्युलर टोटिपोटेंसी कहेंगे। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस दोनों का यूज एंटीबायोटिक की तरह होता है, दैट मीन्स यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉर्न मोजेक एक वायरल डिजीज है कॉर्न में जो ड्वार्फ कॉर्न प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है क्राइवन एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस थुरिंजियंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, जो बीटी हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन या अदर प्लांट जिसमें बेसिलस थुरिंजियंसिस को के जीन्स को इंटीग्रेट किया गया है, तो उससे एक टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं एंडोटॉक्सिन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एंडोटॉक्सिन हैं, क्राई वन, क्राई सेकेंड, क्राई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। तो अलग अलग एंडोटॉक्सिन को क्लासिफाई किया गया है कि वो किस चीज़ कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे। तो जो हमारा क्राई वन एंडोटॉक्सिन है जनरली लेपिडोप्टेरा के मेंबर जैसे कि मॉथ, बटरफ्लाई, इनके लिए इफेक्टिव है, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्लाइज। उसके बाद है द सोर्स ऑफ ड्रग कोकेन इज, तो कोकेन हमें इरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाई इनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो विथ, तो एक प्लांट टिश्यू कल्चर वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड क्या होते हैं जिनमें हम सोमेटिक एम्ब्रियो को बाहर से सोडियम एल्जिनेट की कवरिंग लगाकर आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर आर, तो कॉटन फाइबर प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है, उसके एपिडर्मल से, एपिडर्मिस से, सीड वॉल की एपिडर्मिस से, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ए, एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेराइटीज हैव हायर CO2 कंपेंसेशन पॉइंट बट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस आर लो, तो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट जनरली किसी प्लांट के लिए क्या होता है कि वहाँ पे कितना CO2 हमारा फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हुआ और कितना रेस्पिरेशन में हुआ। तो अगर हमारा CO2 कंपेंसेशन पॉइंट वो होगा जहाँ पे ऑक्सीजन इक्वल होगा जो रेस्पिरेशन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में रिलीज हुआ और जो फोटोसिंथेटिस में एब्जॉर्ब हुआ, तो दोनों जहाँ पर इक्वल होता है उसे हम कहते हैं CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, जो कि C3 प्लांट के लिए हाई होता है और इसका टेम्परेचर भी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक C3 प्लांट इस टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी C3 प्लांट्स। उसके बाद है लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन की एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है, इट डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन नोड्यूल्स, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इनहिबिटर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, इसलिए यहाँ पे इस तरीके का अडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है द ऑर्गेनेल विच इज एसोसिएटेड विद द फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन हमारा क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम और माइट्रोकॉन्ड्रिया में चलता है हमारा फोटो रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी परोक्सीसोम। उसके बाद है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स, तो इसे हम कहते हैं गटेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिफर्ड एज, तो इसे हम कहते हैं पास्चर इफेक्ट या फोटो रेस्पिरेशन, सॉरी पास्चर इफेक्ट नहीं, इसे हम वॉरबर्ग इफेक्ट करते हैं जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है सर्कैडियन रिदम इन प्लांट इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो प्लांट के फोटोपीरियडिज्म में तीन तरीके के रिसेप्टर होते हैं, वन इज फाइटोक्रोम, सेकेंड वन इज क्रिप्टोक्रोम, थर्ड वन इज फोटोट्रोपिन, तो यहाँ पर जो सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक हैं वो किसके थ्रू रेगुलेट होते हैं, क्रिप्टोक्रोम के थ्रू, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उसके बाद है द प्रिकर्सर सबस्टेंसेज, द प्रिकर्सर सब्सटेंस विच इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इंडोल 3-एसिटिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन का केमिकल नेम क्या है IAA या इंडोल एसिटिक एसिड, तो इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है सिंथेसिस में वो ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ सन एंड चेंजेज इट इंटू केमिकल एनर्जी, तो वो है हमारा क्लोरोफिल ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है। उसके बाद है प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, एक तो होता है अमोनिया के फॉर्म में NH4+ आयन के फॉर्म में, दूसरा है नाइट्रेट के फॉर्म में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है द ट्रांसपोर्ट फॉर
फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट, तो वो हमेशा से ही सुक्रोज होता है, स्टार्च नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, बल्कि सुक्रोज होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉज क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस हमें मैग्नीज में देखने को मिलता है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी इज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरियस पिगमेंट्स बी ट्रांसफर टू एन एनर्जी कलेक्टिंग पिगमेंट रिफर टू एज रिएक्शन सेंटर, क्योंकि क्लोरोफिल ए हमारा रिएक्शन सेंटर बनाता है, जहाँ पर अदर एसेसरी पिगमेंट जैसे कि अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या जेंथोफिल कैरोटीनॉइड उसकी उसे हेल्प देते हैं, तो रिएक्शन सेंटर हमारा क्लोरोफिल ए ही बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद है इन द लीव्स येलो टू येलो ऑरेंज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पिगमेंट, तो सारे क्वेश्चन एक ही जगह से इन्हें दे दिए हैं, तो इसका आंसर भी होगा हमारा कैरोटीनॉइड, जो कि कैरेट के ऑरेंज कलर के लिए या लीव्स के येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है फाइंड द ऑड वन आउट, तो यहाँ पे हमारा ऑड कौन सा होगा, बी वाला फिनाइल एसिटिक एसिड का जिब्रेलिन से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड कोरिनोइक एसिड जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन लिखा है यहाँ पे, जिब्रेलिन से इसका है क्योंकि ये सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और जिएटिन हम साइटोकाइनिन को कहते हैं, या जिएटिन इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा इनकरेक्ट, करेक्ट दैट मीन्स कि सही ऑप्शन वो होगा। उसके बाद है द हार्मोन व्हिच हैज़ निगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, इस तो निगेटिव इफेक्ट कौन डालता है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो एपिकल बड है वो जनरली इनहिबिट करता है लेटरल बड की ग्रोथ को, ठीक है, अगर एपिकल बड बढ़ता रहेगा तो लेटरल ग्रोथ नहीं होगी, दैट मीन्स कि वहाँ पे एपिकल बड की डोमिनेंस होगी, इस प्रोसेस को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, जिसको जिसके लिए हमारा ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन साइटोकाइनिन हमेशा ऑक्सिन की एंटागोनिस्टिक वर्क करता है और ये इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइटोकाइनिन, तो इनमें से सभी साइटोकाइनिन के एग्जाम्पल हैं, जिएटिन, काइनेटिन, बेंजल्डी, एडिनिन, ऑल ऑफ द वेब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है कोकोनट फ्रूट है, तो कोकोनट फ्रूट किस टाइप का फ्रूट है, ड्रूप है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है अन ओव्यूल विच बिकम कर्व्ड सो दैट द न्यू, यहाँ पर न्यूक्लियस लिखा है, न्यूसिलस होना चाहिए, न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, ठीक है, तो फ्यूनिकल सबसे बेस वाला पार्ट होता है, तो प्लेसेंटा से अटैच करता है ओव्यूल को, उसकी लाइन में ही अगर हमारा एम्ब्रियो सैक और न्यूसिलस आएंगे तो उसे हम कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि सबसे कॉमन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, तो इसका ऑप्शन होगा सही एनाट्रोपस ओव्यूल। अगला क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज, तो एंडोस्पर्म का नेचर जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, हमेशा हैप्लोइड होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है द एडिबल पार्ट ऑफ राइप मैंगो इज मॉर्फोलॉजिकली, तो एडिबल पार्ट मैंगो का क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली, मीजोकार्प इसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है इन टेरिडोफाइट्स इफ ए स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड, अगर हमारा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सिंगल सेल से होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ फर्न कहते हैं या टेरिडोफाइट कहते हैं, जब हमारा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स से होता है, तो बहुत सारी तीन चार पाँच या कितनी मल्टीपल सेल से मिलकर अगर हमारा स्पोरेंजियम डेवलप होगा तो उसे हम कहेंगे यूस्पोरेंजियम टाइप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है नीमैक फिनोमिना इज ए अकरेंस ऑफ, तो नीमैक फिनोमिना जनरली हम किसे कहते हैं, नीमैक एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने फिनोमिना डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि कभी कभी किसी प्लांट में उन्होंने देखा था कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो भी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड उन्हें देखने को मिला था, जो कि एम्ब्रियो सैक का कॉमन टाइप है, पॉलीगोनम टाइप, उस तरीके से उनने मेल गैमेटोफाइट को देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोलन एम्ब्रियो सैक, पोलन दैट मींस कि उन्होंने पोलन ग्रेन में एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर देखा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू तो फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक में होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड्स इनसाइड द होस्ट सेल आउटसाइड बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनसाइड द होस्ट सेल, ऑप्शन ए।
उसके बाद है विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या SER है उसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ER। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज, तो इसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है साइटोक्रोम आर फाउंड इन, तो साइटोक्रोम कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में, ठीक है, तो इनर वॉल यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी, क्योंकि क्रिस्टी हमारा इनर वॉल पर ही बने होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो नहीं लिखा है, क्योंकि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे अटैच होता है जनरली साइटोक्रोम मॉलिक्यूल, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, तो आई थिंक मैट्रिक्स लाइसोसोम तो इनकरेक्ट है, आउटर वॉल भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर या तो मैट्रिक्स होना चाहिए या क्रिस्टी होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि क्रिस्टी होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है द प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज ऑल्सो नोन एज, तो प्रोग्राम सेल डेथ या PCD को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है ATP रिलीजेज एनर्जी व्हेन इट इज, तो ATP से हमें एनर्जी मिलती है हम कहते हैं, लेकिन कैसे, जब ATP क्या होती है, हाइड्रोलाइज होती है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है CD4+ टी सेल आर कॉल्ड, CD4+ क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो टी हेल्पर सेल की मेम्ब्रेन पे लोकेट होती है, CD4+ सेल भी होती हैं, CD8+ सेल भी, ठीक है, तो CD8+ वाली सेल्स को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल, जबकि CD4 टी सेल्स को हम हेल्पर टी सेल कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है कैंसर इज, कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है, अनकंट्रोल्ड DNA रेप्लिकेशन है, अनकंट्रोल्ड मियोसिस है या टोटिपोटेंसी है, तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA टेक्स द शेप ऑफ, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर tRNA का क्या होगा, क्लोवर लीफ होता है, क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है व्हेन ए सर्टेन करेक्टर इज इनहेरिटेड ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट इट इज प्रोबेबली रिप्रेजेंट द केस ऑफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और यहाँ पे दिया है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन हमारा रेसिप्रोकल भी होता है और नॉन रेसिप्रोकल भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जबकि क्रॉसिंग ओवर में हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, और तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। उसके बाद है ट्राइसोमिक कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ट्राइसोमी क्या है, जनरली एन्यूप्लॉयडी का टाइप है, तो ट्राइसोमी में क्या होता है, हमारा डिप्लॉयड सेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसे हम कहते हैं 2N+1, जबकि 2N-1 को हम क्या कहेंगे, नल्लीसोमी कहेंगे, सॉरी मोनोसोमी कहेंगे, 2N+2 को नल्ली, 2N-2 को नल्लीसोमी, 2N+1 को ट्राइसोमी और 2N+2 को टेट्रासोमी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2N+1। उसके बाद है रोडोप्सिन ए पिगमेंट फाउंड इन, तो रोडोप्सिन हमारा विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि रेटिनल सेल्स में होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन स्प्लाइसिंग कन्वर्ट प्री mRNA टू मैच्योर mRNA, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रिचिंग ऑफ एक्जोन टुगेदर एंड एक्साइजिंग ऑफ इंट्रॉन, क्योंकि इंट्रॉन हमारा क्या है, नॉन कोडिंग सिक्वेंस, जबकि एक्जोन हमारा कोडिंग सिक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ zDNA मॉलिक्यूल, तो zDNA का हमेशा हमारे नॉर्मल DNA जो कि bDNA है उससे कम होता है, bDNA का हमारा 20 एंगस्ट्रम होता है डायमीटर, जबकि zDNA का 18 एंगस्ट्रम। उसके बाद है द इंटायर कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इसे हम प्रोटियोम कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। जैसे हम पूरे जीनोम या पूरे हमारे जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं या जीन्स के सेट को, उसी तरीके से प्रोटीन को प्रोटियोम कहेंगे। उसके बाद है ए बायोकेमिस्ट मीजर्स द अमाउंट ऑफ DNA इन सेल ग्रोइंग इन लेबोरेटरी, द अमाउंट ऑफ DNA वुड बी फाउंड टू डबल इन, तो पूछ रहा है कि DNA का
अमाउंट डबल अगर हम लेबोरेटरी में मेजर करें तो कौन सी स्टेज में हमें दिख जाएगा, क्योंकि जी1 स्टेज में क्या होता है हमारा गैप फेज 1, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो एस फेज के बाद ही हमारा डीएनए डबल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है बिटवीन प्रोफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, तो प्रोफेज और एनाफेज में ही ऐसा क्या है उनके बीच में जो हमें डीएनए डबल दिखेगा, वो तो हमें एस फेज के बाद ही दिख जाएगा, तो आफ्टर जी2 फेज ऑफ सेल साइकिल ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ सेल साइकिल, वहाँ भी दिखेगा लेकिन उससे पहले ही जी1 जी2 आ जाती है, तो जी2 फेज में हमें दिख जाएगा क्योंकि एम फेज में अगेन वो अलग अलग डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आफ्टर जी2 फेज ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट, तो इसमें ट्रू पूछ रहा है। पहला है सैचुरेटेड फैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड अलोंग हाइड्रोकार्बन टेन, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स में सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है सैचुरेटेड फैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलोंग हाइड्रोजन टेल, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जबकि सैचुरेटेड फैट आर फाउंड मेनली इन प्लांट लिपिड, तो इसका इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो एनिमल फैट में होते हैं जबकि प्लांट में अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद है सैचुरेटेड फैट्स आर हेल्थियर देन अनसैचुरेटेड फैट, जबकि इनकरेक्ट है क्योंकि हेल्थियर किसे माना जाता है, प्लांट फैट को जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है चेंजिंग वन अमीनो एसिड विद इन ए प्रोटीन वुड चेंज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, चेंज इन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो ये सभी होंगे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पर tRNA, mRNA, राइबोसोमल RNA सारे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, जबकि snRNA हमारा RNA की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विद इन ए जीन रिकॉन इज ए यूनिट ऑफ, तो रिकॉन क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से कैसे डिफर है, बीइंग सर्कुलर, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए जनरली लीनियर होता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए प्रोकैरियोट से सिमिलैरिटी रखता है जो कि सर्कुलर होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए, तो एंडोन्यूक्लिएज यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है जिसे हम नाइफ्स ऑफ डीएनए कह सकते हैं। उसके बाद है लैम्पब्रूस क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है आरएनए एंड प्रोटीन बोथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोडोन, तो हमारा कोडोन एमआरएनए में होता है, तो एंटीकोडोन कहाँ होगा, tRNA में, ट्रांसफर RNA में। उसके बाद है पॉलीप्लोइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, तो पॉलीप्लोइडी को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कोल्चिसिन ड्रग देके, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद है द सेल ऑर्गेनेल विच डू नॉट है, तो आप सभी को पता है कि गोल्जी बॉडी में कोई डीएनए नहीं होता जबकि अदर में सभी में डीएनए होता है। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज इज टू, तो टोपो आइसोमरेज फंक्शन का, टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या है, निक एंड सील ए डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए को निक करना और फिर सील कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सुपर कॉइलिंग होती है, जब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो अगर उसका ओपनिंग होगी तो एक तरफ से वो उसकी सुपर कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, तो सुपर कॉइलिंग को अगेन टोपो आइसोमरेज रिमूव करते रहता है, पहले निक करेगा देन सील करेगा, और इस तरीके से सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का फंक्शन टोपो आइसोमरेज एंजाइम का होता है। उसके बाद है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर हैज़ टू की सब यूनिट, वन इज कैटलिटिक एंड अदर इज रेगुलेटरी, तो कैटलिटिक यूनिट हमारा हमेशा CDK होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो कि एक एंजाइम है, जबकि रेगुलेटरी यूनिट एक साइक्लिन प्रोटीन होती है जो कि डिग्रेड होती है ईच स्टेप में, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलेटरी सब यूनिट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी साइक्लिन। उसके बाद है ए मोलिकुलर अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम दैट जनरली एकम्पेंस क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, तो पूछ रहा है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए कौन सा फैक्टर या केमिकल इवेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन बी प्रोटीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो माइटोसिस CDK है, माइटोसिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज हैं, उसके साथ साइक्लिन बी एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, तो साइक्लिन बी हमारा एसोसिएटेड है माइटोसिस फेज से, क्योंकि अलग अलग तरीके के सेल साइकिल में साइक्लिन और CDK होते हैं, जैसे कि G1 के CDK अलग होंगे, साइक्लिन अलग होगा, एस फेज में CDK और साइक्लिन अलग अलग होंगे, तो साइक्लिन बी का फंक्शन जनरली क्रोमोसोम कंडेंसेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है पेरोक्सिसोम आर रिच इन, तो पेरोक्सिसोम में क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जैसे कि कैटालेज, तो यहाँ पे
ऑप्शन ये भी है कि कैटालिटिक एंजाइम, तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि कैटालिट से हो सकता है कंफ्यूजन, आपने कैटालिटिक लगा दिया हो, क्योंकि कैटालिटिक तो एंजाइम का नेचर होता है, वो तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट उन्हें कहा ही जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्सीडेज होता है और कैटलेज होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें 103 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसके बाद दूसरी वीडियो में अदर आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।